नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018, तो दोस्तों आप लोगों को लिस्ट का इंतज़ार है। ENM और GNM दोनों ही भर्तियों के अभ्यर्थियों को लिस्ट का इंतज़ार है, लेकिन उससे पहले दोस्तों भर्ती में EWS यानी कि गरीब स्वर्णों को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के द्वारा, उसको लागू करने की मांग की गई है। बड़ी खबर है और आज ही की ये खबर है, और देख लेते हैं क्या जानकारी इसमें दी गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2018 की नर्सिंग भर्ती में आर्थिक आरक्षण की मांग दोस्तों आज के समाचार पेपर में आई है। ये न्यूज आज सौंपा जाएगा ज्ञापन, तो इसमें EWS आरक्षण की मांग की गई है। इसमें आरक्षण दिया जाए EWS कैटेगरी को। देखिए, जयपुर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, ठीक है, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से सोमवार को यानी कि आज नर्स ग्रेड द्वितीय 2018 प्रक्रियाधीन भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। यानी कि आज इसकी जो नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती है 2018 की, उसमें EWS आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। जो प्रदेश संयोजक हैं शशिकांत शर्मा व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर नरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि दोपहर 3 बजे यानी कि आज 3 बजे राजस्थान राज्य बीज निगम के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में 100 नर्सिंग अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल, देखिए यहाँ पर दोस्तों राजस्थान राज्य बीज निगम के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, और बहुत बड़ी भूमिका रही थी इनको जो EWS में भूमि संबंधी प्रावधान हटाने के लिए। तो धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनके नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा जाएगा। धर्मेंद्र जी राठौड़ होंगे और उनके साथ 100 नर्सिंग अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल होगा। ज्ञापन किन्हें दिया जाएगा, जो सचिव हैं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के रोहित कुमार सिंह यानी कि RK सिंह को ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, रिजर्वेशन देना या नहीं देना, और ये कोर्ट में भी मैटर है EWS का, अभी मेंशन नहीं हुआ इस पर, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है जिसमें आपकी नर्सेज भर्ती 2018 भी शामिल है। तो कोर्ट का डिसीजन अभी आना बाकी है, लेकिन उससे पहले अभ्यर्थी ज्ञापन देंगे रोहित कुमार सिंह को, राजस्थान बीज निगम के जो चेयरमैन हैं पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों नर्सिंग भर्ती 2018 के लिए। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में फिलहाल अपडेट, और भी अपडेट जैसे ही पता लगेंगे आपको बता दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और जी हाँ दोस्तों 3 बजे ये यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद की डिटेल्स कोई आती है तो आपको बताया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।